तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, सामने टॉप लोड वॉशिंग मशीन रखी हुई है। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको रिव्यू देने जा रहा हूँ, हायर की टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन 9 kg कैपेसिटी की रिव्यू देने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, हायर ही क्यों? तो फ्रेंड्स, हायर इसीलिए क्योंकि ये इनोवेशन के मामले में अभी काफ़ी अच्छा है और इसमें जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट वाली टेक्नोलॉजी आ रही है। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको इसके फीचर्स बताऊंगा, कुछ यूनिक ऐसे फीचर बताऊंगा जो कि नॉर्मली किसी ब्रांड में नहीं आते हैं। तो जैसे कि इसका एंटी स्केलिंग टेक्नोलॉजी आ जाता है 9 kg के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। पिलो सेफ ड्रम आता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा, और जीरो प्रेशर NJP टेक्नोलॉजी भी आती है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इस मशीन के मॉडल नंबर से। तो फ्रेंड्स, ये है हायर का 9 kg का वॉशिंग मशीन जो कि HWM90-H678ES8 मॉडल है और ये 5-स्टार रेटिंग का मॉडल है। फ्रेंड्स, अगर हम इसकी वाटर कंजम्पशन की बात करें तो 13.23 लीटर पर केजी पर साइकिल ये ले रहा है। तो अगर हम इसके यूनिक फीचर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहला फीचर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो यूनिक फीचर है वो है फ्रेंड्स एंटी स्केलिंग टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, एंटी स्केलिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है? जो इसका ये जो ड्रम होता है, ड्रम के इंटरनल में आपको दो ड्रम मिलते हैं, यानी एक जो आपका ये इंटरनल ड्रम है और एक इसके बैक साइड में एक और ड्रम होता है वो। अब होता क्या है फ्रेंड्स, आप मशीन को यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद उसको बंद कर देते हैं, तो क्या होता है, जो मॉइस्चर वगैरह रहता है पानी का, वो क्या होता है, ड्रम के बैक साइड में रुक जाता है, जिससे कि क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसमें स्केलिंग वगैरह जम जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बाद में हमें पूरा का पूरा ड्रम चेंज करना पड़ जाता है। प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है? प्रॉब्लम्स ये भी आती है कि उसमें क्या होता है, स्केलिंग की वजह से हमारे कपड़े जो होते हैं गंदे निकलते हैं, साफ़ सफाई अच्छी तरीके से नहीं हो पाती कपड़ों में, आपके जो रेशे वगैरह होते कपड़े के, लिंट वगैरह, वो रह जाते हैं। तो इसमें कंपनी ने क्या दे रखा है 9 kg में, तो 9 kg में इसके जो ड्रम के बीच में है इसमें आपको एंटी स्केलिंग टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसको हम नैनो बॉल बोलते हैं, यानी इसमें आपको एक नैनो बॉल दी जाती है, कई नैनो बॉल जो कि ड्रम के साथ मूवमेंट करती है। जब भी ये ड्रम एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज वॉश करता है तो इसमें क्या होता है, वो बॉल्स भी इसके चारों तरफ घूमती है, जो कि पूरे ड्रम को क्लीन करती है, यानी स्केलिंग को दूर करती है, जो कि लाइफ टाइम चलता है, यानी जब तक मशीन है तब तक बॉल भी है, यानी अगर मशीन खराब है तब भी बॉल आपकी यूज़ चलती रहेगी। सेकंड की मैं बात कर रहा था, जो इसका जो ड्रम है फ्रेंड्स, वो है पिलो सेफ ड्रम, यानी पिलो सेफ ड्रम में क्या होता है, इसके जो उभरे हुए ड्रम है ये क्या करता है फ्रेंड्स, कपड़ों को रबिंग का इफेक्ट देता है, यानी जितनी रबिंग होगी उतना वॉशिंग क्वालिटी बेटर होगा, यानी आपको ब्रश लगाने की ज़रूरत नहीं है, ब्रश का काम ये आपका पिलो सेफ ड्रम कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैंने ड्रम की बात करी ली है फ्रेंड्स, तो ड्रम में मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें ड्रम में इसका जो ड्रम है फ्रेंड्स, 4-5 विंग्स के साथ है, जिसमें आप देख रहे हैं नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा है, और एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज जब ये वॉश करता है कपड़ों को ये हाईली पावरफुल वॉशिंग देता है, जिससे ही कपड़े आपके ऊपर से नीचे की साइड होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसमें एक फीचर और है कि इसमें जो लिंट फिल्टर होते हैं, इसमें लेफ्ट एंड राइट दो साइड आपके लिंट फिल्टर होते हैं, यानी लिंट फिल्टर का काम क्या होता है फ्रेंड्स, लिंट फिल्टर का काम होता है फिजिकल डस्ट एंड रेसे को कैच करना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इसको निकालना है, वापस पानी के अंदर धोना है और वापस इसको लगा देना है। तो ये लिंट फिल्टर होते हैं दोनों साइड में मशीन के, इसको आप इजीली टो निकाल के भी क्लीन कर सकते हैं। मशीन का काम क्या होता है, सिंपल होता है, यहाँ पे आपको डिटर्जेंट डालना है और इसको क्लोज कर देना है, कपड़े डालने हैं और यहाँ से इसको पावर ऑन कर देना है। ये सिंपल वॉशिंग का काम होता है फ्रेंड्स। तो बात करते हैं इसमें और फीचर की, जैसे कि इसमें आपको NJP टेक्नोलॉजी आती है फ्रेंड्स। NJP टेक्नोलॉजी क्या होती है, इन केस आपके घर पे आप मशीन लगा रहे हैं और टंकी की हाइट 10 है, यानी 10 फुट के करीब आपका टंकी की हाइट है ऊपर रखी हुई है या उससे कम है, तो वहाँ पे क्या होता है, इन टॉप लोड मशीनों को प्रेशर चाहिए होता है वॉशिंग के लिए। बट यहाँ पे कंपनी ने क्या दे रखा है, यहाँ पे अगर आपकी टंकी की हाइट 5 से 6 फुट भी है तो ये 0 वाटर प्रेशर में भी वर्क करेगी, यानी आपको प्रॉपर वही वॉशिंग क्वालिटी देती रहेगी जो कि एक नॉर्मल प्रेशर में वर्क होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें आपको ये NJP टेक्नोलॉजी भी दी गई है।
साथ ही साथ इसमें ऑटो रिस्टार्ट का फीचर दिया गया है। ऑटो रिस्टार्ट में जहाँ पे आप मशीन चलाते हो लाइट चले आती है, लाइट आने के बाद ये मशीन वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ पे आपने लगाया होगा। साथ ही साथ ओशियन वेव ड्रम, जो मैं आपको बोल रहा था इसका जो पिल्लो शेप ड्रम है, तो इसको हम ओशियन वेव ड्रम भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात कर लेते तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की। तो फ्रेंड्स, इस मशीन में आपको विद हीटर का भी ऑप्शन मिल रहा है, यानी अगर आपको कपड़े धोने हैं गर्म पानी के अंदर, वार्म, हॉट और एलर्जी फ्री वाले में, तो आप इसको मैन्युअली सेलेक्ट करके हॉट पानी में भी धो सकते हो। यानी कुल मिला के ये आपको स्टीम के साथ ये हाइजीन क्लीनिंग देती है, यानी 99.9% तक ये आपके बैक्टीरिया को डिएक्टिवेट करेगी गर्म पानी के साथ और वॉशिंग क्वालिटी को बेहतर बनाएगी। चलिए बात कर लेते हैं इन वॉश प्रोग्रामिंग की, इसमें क्या क्या फीचर है। तो फ्रेंड्स, ये स्टार्ट एंड पॉज हो गया है, प्रोसेस हो गया। प्रोसेस में जैसे कि यहाँ पे आपको ये जो फीचर्स दे रखे हैं P1 से लेके PA तक, तो इसमें क्या क्या है P1 से लेके PA तक, तो आपका हैवी है, स्पोर्ट्स है, इको है, सिल्क है, सोक है, सैनिटाइजिंग है, ठीक है, बेबी केयर के कपड़े हो गए, सिंथेटिक हो गए, रेंज प्लस स्पिन हो गया और एक्स्ट्रा एयर ड्राई हो गया। यानी आप कपड़े अगर धोते हो तो मशीन जो होती है ड्राई करती है 60-65% के करीब। अगर आपको थोड़ी सी और एक्स्ट्रा ड्राइंग करनी है तो एक्स्ट्रा ड्राई भी कर सकते हैं। चाइल्ड लॉक का भी सिस्टम है फ्रेंड्स, इसमें आप चाइल्ड लॉक भी लगा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके प्रोग्रामिंग है कि आपको स्पिन करना है, शर्ट धोनी है, नॉर्मल करनी है, डेलीकेटेड या क्विक वाला करना है। क्विक में 15-30 मिनट का टाइमिंग होता है। ठीक है, P1 से P1 के प्रोग्राम ये वाले आपको आते हैं। यहाँ पे जो प्रोसेस है आपका वाटर लेवल का प्रोसेस हो गया, वॉश टाइम का प्रोसेस हो गया है, रेंज टाइम और स्पिन टाइम और डिले का प्रोसेस हो गया। डिले में क्या होता है फ्रेंड, डिले में आप यहाँ पे टाइम भी फिक्स कर सकते हो। आपको अगर मॉर्निंग में कपड़े धोने हैं तो मॉर्निंग में करिए, तो मॉर्निंग में क्या होगा, ये मशीन उसी समय स्टार्ट होगी जिस समय का आपने लगाया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये 9 kg की है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि इसमें बेसिकली क्या क्या फीचर है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एंटी स्केलिंग बताया है, ठीक है, NJP टेक्नोलॉजी बताया है, ऑटो रिस्टार्ट हो गया, आपका ओशियन वेव ड्रम हो गया और विद हीटर के साथ हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब देख लेते हैं मशीन के बैक साइड, मशीन का बैक साइड किस टाइप का है। तो फ्रेंड्स, ये है मशीन का बैक साइड, जिसमें कि आपको एक लिड मिलती है और एक ड्रेन पाइप मिलता है। फ्रेंड्स, इसकी जो पावर केबल होती है वो होती है आपकी 16 एम्पीयर की पावर केबल होती है, क्योंकि ये हीटर वाली मशीन है। अगर हम इसके हीटर वोल्टेज की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये जो मशीन है आपकी हीटर वोल्टेज में, मैं दिखा देता हूँ आपको, इसकी जो हीटिंग पावर इनपुट है 1450 हीटिंग पावर इनपुट है इसकी। अगर हम बात करें इसकी रेटेड वाटर इनपुट पावर की, तो 455 वाट का ये है। ठीक है, स्पिन पावर की बात करते हैं कि जब स्पिन पावर में चलता है तो कितना लेता है, तो 355 इसका स्पिन पावर है। ठीक है, रेटेड करंट ऑफ फ्यूज जो है इसका फ्रेंड्स, वो 15 एम्पीयर का है और ये मेड इन इंडिया की बनी हुई है ये मशीन आपकी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट फीचर की, जैसे कि आप देख रहे हैं इसका जो पैनल है टॉप में है, यानी आई लेवल पे ये आपको पैनल मिल रहा है। और इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स में क्या है कि ये जो डोर होता है फ्रेंड्स, आपका टफ एंड डोर होता है, प्लस साथ ही साथ ये स्मार्ट डोर भी होता है। यानी जब भी ये मशीन आप ऑपरेट करते हो डोर ओपन करके, तो इसका जो डोर होता है वो धीरे धीरे नीचे की साइड आता है, यानी ये स्मार्ट डोर टेक्नोलॉजी के साथ आपको मिल रही है। चलिए बात कर लेते हैं अब इसकी वारंटी की। तो कंपनी अभी जो इसमें वारंटी दे रही है, कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी दे रही है आपको 5 ईयर की, और इसकी जो मोटर की वारंटी होती है 10 ईयर की होती है। अगर आपको इस मशीन के बारे में फ्रेंड्स कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर पूछे, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।